मथुरा के वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए देवेंद्र शर्मा ने योगी जी के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और जुझारू नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनकी क्षमता, ऊर्जा और प्रतिभा को महत्व देते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नामित किया है। इसी के साथ डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी, श्रीमती अनीता अग्रवाल, श्याम त्रिपाठी, श्रीमती निर्मला पटेल, डॉक्टर आशु दिवाकर और अशोक कुमार रावत को सदस्य के रूप में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की टीम में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोमवार को इसकी घोषणा किए जाने के बाद मथुरा के भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि पार्टी ने जिस तरह से उनकी कार्यशैली और निष्ठा पर विश्वास जताया है, वह उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और बच्चों के हित को सर्वोपरि रखते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। आप सब जानते हैं और मथुरा की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक प्रमाणिक कार्यकर्ता हूं और मुझ जैसे कार्यकर्ता पे पार्टी ने जो भरोसा किया है और जिस काम को जब भी पार्टी ने मुझे दिया है उस काम को मैंने हमेशा अंजाम तक पहुंचाया है। अब बाल संरक्षण आयोग में बच्चों के विकास के लिए जो पार्टी की रीति नीति है उसके अनुसार मैं पूरे कार्य को अंजाम दूंगा। प्राय देखा जाता है बच्चों को शोषण होता है, बाल मजदूरी सरकार रुक नहीं पाई अभी तक, क्या कहेंगे इसको लेकर? बाल मजदूरी, बच्चों का शोषण मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सरकार के रूप में उसको, हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है उसके अनुसार काम को अंजाम। अभी मैं उस चार्ज लेने के बाद उस स्थिति को समझूंगा और सामाजिक लोगों से भी सहयोग उसमें लूंगा, सरकार की तरफ से भी जो सहयोग होता है वो भी होगा और बच्चों के विकास में अपने को लगाऊंगा। अभी मैं जाकर दौरा करूंगा, जहां भी स्थिति अगर कहीं कमजोर दिखाई देगी तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। बच्चों का शोषण मैं कहीं भी नहीं होने दूंगा।